Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है, तो वहीं जो सोशल मीडिया है उस पर भी लगातार सरकार पर जो प्रत्याशी हैं या फिर जो प्रत्याशी अपने टिकट का इंतजार कर रहे हैं वो लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और इस कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी की चर्चा ना हो ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, बात करें तो मुख्तार अंसारी से लेकर उनके बेटे अब्बास अंसारी लगातार योगी सरकार पर करते नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया जब अकाउंट आप मुख्तार अंसारी हो या फिर अब्बास अंसारी का खंगालते हैं तो जिस तरीके से योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि योगी के खिलाफ में ये बाप और बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, बात करें तो जिस तरीके से कल मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है, और बड़ी खुशखबरी ये है कि मुख्तार अंसारी को एक मामले में जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो इस खबर को पोस्ट करते हुए अब्बास अंसारी लिखते हैं कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य का हमेशा जीत होता है। और इशारों में इन्होंने योगी सरकार पर निशाना साध दिया है कि किस तरीके से योगी सरकार मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में बंद रखी है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से अब्बास अंसारी लगातार बजट को लेकर, जो अभी बजट केंद्र सरकार में पास हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है, और एक पोस्टर साझा करते हुए लिखते हैं कि भाजपा का आज का बजट अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों की गोद भराई की तरह है। भाजपा द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों, नौजवानों, व्यापारियों को हमेशा की तरह बेवकूफ बनाया गया है। यह बजट नहीं बल्कि अंबानी अडानी और उद्योगपतियों की गोद भराई है। और इस तरीके से उन्होंने लगातार पोस्ट किया है। इसके बाद उन्होंने रोजगार शिक्षा को लेकर भी कटाक्ष किया था, और जो योगी का ठंडा कर देने वाला बयान था उसको भी लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। वहीं बात करें तो एक बार फिर से अब्बास अंसारी जो हैं वो लगातार जिस तरीके से योगी सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको चुनाव में टिकट मिलता है तो योगी सरकार को जमकर लताड़ते नजर आएंगे। और इस तरीके का अगर सोशल मीडिया पर वार हो रहा है तो फिर टिकट मिलने के बाद किस तरीके का वार होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और कहा यह जा रहा है कि सुभाषपा के टिकट पर के किसी एक विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।